बॉल रेडी है। हाय गाइस, मैं अभिषेक आचार्यकर, दीपक प्रेम मुंबई से। और ये जो इम्पोर्टेड टैंक था, इसको हम लोगों ने कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया है लाइव प्लांट्स में। सो गाइस, ऐसे लाइव प्लांट्स में भी ट्रांसफॉर्म हो सकता है फिश टैंक। ये हम लोगों ने लावा रॉक यूज किया है। लावा रॉक का ये बेनिफिट रहता है कि इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया काफी हद तक अच्छा बढ़ता है। बेनिफिशियल बैक्टीरिया काफी अच्छा हो जाता है और फिशेस के लिए काफी अच्छा रहता है। काफी हल्का रहता है पत्थर और पोरस रहता है, तो इसमें बेनिफिशियल बैक्टीरिया अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। अभी हम लोग ने इसमें अलग अलग तरीके से सैंड यूज किए इसके अंदर। इसमें रिवर सैंड में दो अलग अलग वरायटी के रिवर सैंड किए, प्लांट ऑयल यूज किए और बेस फिल्टर यूज किया मेन। और ये भी टॉय के अंदर हम लोग ने प्लांट रखे तो एक अच्छा दिख रहा है सेटअप में। ग्रास यूज किए, मिंट प्लांट है और एक ये साइड पे हम लोग ने एक स्पेसिफिक बंच किया है प्लांट्स का। इसमें एक्वा रोज भी है, एक्वा रोज है, ग्रोएगा तो काफी अच्छा लगता है ये। तो बिफोर आफ्टर में आप देख लीजिए कैसे टैंक ट्रांसफॉर्म हो सकता है बहुत अच्छी तरीके से। अभी हम लोग ब्लू लाइट में देखते हैं कैसे दिखता है टैंक। ये ब्लू लाइट में देखिए फिशेस ग्लो रही है। ये जो लाइव प्लांटेड फिश टैंक है, ये लो CO2, लो मेंटेनेंस, बिल्कुल CO2 का यूज नहीं है ये प्लांटेड टैंक में। और भी फिशेस आने वाली है, जस्ट सेटअप हुआ है मेरा, वीडियो निकाल रहा हूँ। साइड व्यू देखते हैं। ये हम लोग ने जो टॉप फिल्टर था इसको हम लोग ने शॉर्ट किया है। ये हमारा UG बेस फिल्टर है। पीछे भी हम लोग ने बैकग्राउंड यूज की है विनाइल में, तो कभी भी चेंज हो सकती है। तो गाइस, इम्पोर्टेड टैंक में भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं, थोड़ा उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है, थोड़ा हर एक चीज में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तभी टैंक अच्छा दिखेगा इससे। तो गाइस, अगर आपको अच्छा लगा रहेगा वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा रहेगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, दीपक करियम। और अगर चाहिए आपको ऐसे सेटअप्स तो कॉन्टेक्ट कीजिए 9930051312 पे। थैंक यू गाइज़।